हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई चांद के घर की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई चांद के घर की कहानी। बहुत समय पहले किसी जंगल में तीन जादूगरनी बहनें रहती थी। वो तीनों बहुत ही बुरी और जालिम थी। फिर एक दिन अपने काले जादू के प्रयोग के लिए चारों बहनें पास के गांव में जाकर बलि चढ़ाने का फैसला करती हैं। यहाँ लाना होगा, उसके बाद उनकी बलि चढ़ाकर हमारे काले जादू की पूजा सफल हो जाएगी। फिर वो चारों बहनें इंसानों को पकड़ने पास के गांव में पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें गांव के मैदान में कुछ लड़कियां खेलती हुई दिखाई देती हैं। ये अच्छा मौका है, चलो इन सभी लड़कियों को पकड़कर अपने साथ ले चलते हैं। उसके बाद वो तीनों बहनें उन लड़कियों को घेर लेती हैं। अरे तुम तीनों कौन हो और हमें इस तरह क्यों घेर रहे हो? हम चारों जादूगरनियां हैं, हमें बलि चढ़ाने के लिए इंसानों की जरूरत है, इसलिए हम तुम्हें पकड़ने आई हैं। चुपचाप हमारे साथ चलो। ये सुनकर सभी लड़कियां घबरा जाती हैं। उसके बाद चारों बहनें उन लड़कियों को रस्सियों से बांध देती हैं और अपने साथ ले जाने लगती हैं। तभी अचानक उनके सामने एक बड़ा सा चांद प्रकट हो जाता है। उस चांद पर ढेर सारी खिड़कियां और एक बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ था। अरे ये तो चांद का घर है, मैंने सुना है इस चांद के घर में एक शक्तिशाली परी रहती है। जादूगरनी के इतना कहते ही चांद के घर का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से खूबसूरत परी बाहर निकल आती है। चलो इन मासूम लड़कियों को इसी वक्त छोड़ दो, वरना तुम चारों की खैर नहीं। परी की बात सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। हमें इस परी से घबराने की जरूरत नहीं है, इस वक्त ये अकेली है और हम तीन हैं, आसानी से इस परी को सबक सिखा सकते हैं। फिर वो तीनों बहनें अपनी जादुई छड़ी से परी पर हमला कर देती हैं, लेकिन अगले ही पल वो परी एक विशाल रूप धारण कर लेती है और उन जादूगरनियों की शक्ति का परी पर कोई असर नहीं होता। ये देख चारों जादूगरनी बहनें घबरा जाती हैं। अरे ये परी तो बहुत ही शक्तिशाली है, इसने तो इतना विशाल रूप धारण कर लिया है, अब हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस परी से हार नहीं माननी चाहिए। चलो अपनी जादुई तलवार निकाल कर इस परी के पैरों को काट दो। फिर तीनों अपनी जादुई तलवार प्रकट करके परी के पैरों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी परी उन तीनों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं तुम तीनों को ऐसी सजा दूंगी कि दोबारा जिंदगी में किसी मासूम को परेशान करने से पहले तुम हजार बार सोचोगे। उसके बाद परी उन तीनों की जादुई छड़ी तोड़कर जला देती है और साथ ही तीनों बहनों के बालों को काटकर उन्हें पूरी तरह गंजी बना देती है। चलो यहाँ से भाग जाओ, वरना अगर कहीं मेरा विचार बदल गया तो मैं तुम तीनों को मार कर यही दफन कर दूंगी। परी की बात सुनकर तीनों बहनें घबराकर वहां से भाग निकलती हैं। हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी, लेकिन हमें एक बात की चिंता है, कहीं वो तीनों बहनें यहाँ फिर से आ गई तो फिर दोबारा कौन हमें बचाएगा? चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें अपना जादुई मोबाइल देती हूँ। अगर आज के बाद तुम पर कोई मुसीबत आए तो मेरे दिए हुए मोबाइल से मुझे फोन कर देना, फौरन तुम लोगों की मदद के लिए यहाँ आ जाऊंगी। उसके बाद परी उन लड़कियों को अपना जादुई फोन देकर चांद के घर के अंदर चली जाती है। फिर अगले ही पल वो चांद का घर हवा में उड़ता हुआ दूर आसमान में चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ तीनों बहनें चांद की परी से बदला लेने की आग में जलने लगते हैं। फिर एक दिन एक बड़े जादूगर से अपने लिए तीन जादुई छड़ियां तैयार करवा लेती हैं। हमारी ये जादुई छड़ियां बहुत ही शक्तिशाली हैं, अब वो चांद की परी हमारा सामना नहीं कर पाएगी। चलो उस परी के घर जाकर इसे जान से मार देते हैं, उसके बाद हम आसानी से लोगों को पकड़कर उनकी बलि चढ़ा सकें। फिर वो तीनों बहनें हवा में उड़ने वाले जादुई झाड़ू पर बैठकर दूर आसमान में चली जाती है।
थोड़ी देर के बाद तीनों चांद के घर के सामने पहुंच जाती हैं। लगता है इस वक्त परी इस चांद के घर के अंदर सो रही है। चलो इसी वक्त अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से इस चांद के घर को पूरी तरह जलाकर राख कर देते हैं। इसके साथ साथ उस परी का भी खात्मा हो जाएगा। उसके बाद वो तीनों बहनें जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ एक बहुत बड़ा नल प्रकट कर देती हैं। फिर अगले ही पल नल के अंदर से आग के बड़े बड़े गोले बाहर निकलकर चांद के घर के ऊपर गिरने लगते हैं और देखते ही देखते वो चांद का घर पूरी तरह जलने लगता है। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खोलकर परी बाहर निकल आती है। अच्छा तो ये तुम तीनों की शरारत है। लगता है पिछली बार तुम तीनों को जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद परी बड़ी बांसुरी निकालकर बजाना शुरू कर देती है और फिर अगले ही पल बांसुरी की आवाज सुनकर वहां ढेर सारी परियां इकट्ठी हो जाती हैं। फिर वो सभी परियां उन तीनों बहनों को मार मार कर उन्हें लहूलुहान कर देती है। ये देख तीनों जादूगरनी बहनें घबराकर वहां से भागने लगती हैं, लेकिन तभी वो सभी परियां उन्हें रस्सियों से बांध देती हैं। उसके बाद वो परियां उन तीनों बहनों को उठाकर वही पास में जल रहे एक बड़े से आग के गड्ढे में फेंक देती हैं। अरे मर गई रे, कोई बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। देखते ही देखते वो तीनों जादूगरनियां आग में जलकर राख के ढेर में बदल जाती हैं। इस तरह उन तीनों दुष्ट जादूगरनी बहनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई चांद के घर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, इसीलिए हमें कभी जिंदगी में बुरा काम नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।